फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटे बच्चे की 3 साल की बच्चे की डॉल कट और स्ट्रेट डॉल कट शेयर करने जा रही हूँ, जो मैंने बहुत ही इजी तरीके से और अच्छे से की है। तो पहले मैंने हेयर कटिंग की है और अभी नहा के आई हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ। तो अभी जो 1 घंटे के पहले हेयर कटिंग की है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले मेरा कोई मेकअप नहीं था, थोड़ा सा भी बाल भी कंघी करने के थे। सुबह सुबह ही कस्टमर आ जाते हैं, कभी कभी 8 बजे 9 बजे, तो कभी नहाना होने को रहता है। और हम सुबह उठ के ही फास्ट में ऐसे मेकअप करके नहीं रहते, थोड़ा सा भी नहीं करते। तो अभी मैं नहा धो के फ्रेश हो गई हूँ और आपके साथ बातें कर रही हूँ। और अभी आपको कटिंग का वीडियो दिखाती हूँ जो मैंने अभी 1 घंटे पहले की है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो। तो एक बहुत ही क्यूट सी बच्ची है फ्रेंड्स, और छोटी भी है, सिर्फ 3 साल की बच्ची है। और इसकी हेयर कट करनी है, डॉल कट और रसना कट। तो पहले मैं लेवल बना रही हूँ, इसे पहले पानी से अच्छे से स्प्रे किया। और इनको बहुत ही कम बाल काटने हैं और कम बाल काट के अच्छे से अच्छी कटिंग करनी है, ऐसे इनकी मम्मी बोली। तो मैं फास्ट फास्ट में अभी हेयर कट कर रही हूँ, थोड़े थोड़े बाल कंघी करके देख के एकदम लेवल आ जाती है ऐसी टेक्निक से। एकदम आप एक जैसे काटोगे और कंघी नहीं करेंगे तो लेवल लाने में थोड़ा दिक्कत आ जाती है। तो मैं ऐसे कंघी करके करके लेवल लाती हूँ और इस टेक्निक से बहुत ही अच्छी हेयर कट आ जाती है। ये बच्ची ज़रा भी ठीक नहीं बैठ रही है, ज़रा ज़रा थोड़ी थोड़ी देर में हिल रही है। पर छोटे बच्चे तो ऐसे ही होते हैं फ्रेंड्स, हमको एडजस्ट करके इनकी हेयर कट करनी पड़ती है। इससे भी छोटे बच्चे की मैं हेयर कट कभी नहीं करती, क्योंकि वो अच्छे से बैठते ही नहीं। तो इसीलिए मैं इससे छोटे बच्चे की हेयर कट नहीं करती। मेरा हाथ आ गया है बीच में, तो इसीलिए मैं आपको पूरी कटिंग नहीं दिखा सकी, थोड़ी सी ही गई है, सॉरी। अभी यहाँ पे मैं रसना कट बना रही हूँ। छोटे बच्चों पे बहुत ही सूट हो जाती है रसना कट। आप भी, आपके पास ऐसे छोटे छोटे क्लाइंट आए तो ऐसे ही हेयर कट करके दो। बहुत क्यूट सी डॉल जैसी हेयर कट है, इसका नाम ही डॉल कट और रसना कट है। देखो बच्ची कितनी हिल रही है, ज़रा भी ठीक से बैठ नहीं रही है। पर हमें तो कैसे ही बैठे कस्टमर, तो काम करके देना ही पड़ता है। अभी हमारे इधर छोटे बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा यही कटिंग करते हैं सभी, और अच्छी भी दिखती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो कल या परसों देनी थी पर मैं भूल गई, और कल तो मेरा वीडियो भी नहीं था, तो इसलिए मैं कल वीडियो था शायद, शूटिंग नहीं की थी तो इसलिए आज दे रही हूँ। भूल गई थी मैं काम काम में, तो सॉरी। तो इस तरह से मैं हेयर कट कर रही हूँ। अभी रात का समय है और रात को वॉइस ओवर कर रही हूँ, तभी हमारे इधर कितनी गाड़ियों की आवाज़ आ जाती है, रोड पे घर है इसलिए, तो रोड पे घर है इसलिए गाड़ियों की आवाज़ की तकलीफ़ है। पर रोड पे है इसलिए कस्टमर आते हैं घर पे, नहीं तो गली में पार्लर रहा तो उतना नहीं चलता था, इतने भी नहीं आते थे जितने आते हैं। तो इसलिए एक फ़ायदा भी है रोड के घर का, थोड़े ना थोड़े तो कस्टमर आते ही हैं।
तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स के कभी कभी जवाब नहीं दे सकती तो सॉरी, कभी कभी समय नहीं रहता इसलिए अभी देने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से हेयर कटिंग हो चुके हैं, अभी थोड़ी थोड़ी चेकिंग करूँगी क्योंकि हेयर कटिंग करके हमारा काम नहीं ख़त्म हो जाता, दोबारा से उतनी ही चेकिंग करनी पड़ती है। ज़रा भी बार इधर उधर नहीं रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लेवल डॉल कट आनी चाहिए, इसलिए मैं चेकिंग करते करते हेयर कट करती हूँ हमेशा। आप लोगों को तो पता ही है, अभी मेरा नहाना भी होने का है फ्रेंड्स, और सुबह सुबह 8 बजे ही एक कस्टमर आए हैं। वैसे भी अभी कोरोना के वजह से कस्टमर कम हो गए हैं तो हम वापस नहीं भेजते, कस्टमर आए तो करके ही देते हैं चाहे कौन से भी समय में आए। तो ये सुबह सुबह 8 बजे आए हैं और इनकी हेयर कट कर रही हूँ मैं। मेरा हुलिया ज़रा भी अच्छा नहीं है इसलिए मैं पार्लर आपके सामने कैमरे में नहीं आई हूँ कटिंग करते वक्त, क्योंकि सुबह सुबह हम तो मेकअप करके नहीं बैठ सकते। घर में पार्लर है तो किसी भी वक्त कस्टमर आ जाते हैं, और सभी को पता है हमारे इधर कि हम पार्लर का काम करके देते हैं घर में, तो इसलिए कस्टमर आ जाते हैं कभी भी। और यहाँ पर हम थोड़ा सा हेयर को ड्राई कर रहे हैं अच्छे से, और इससे रोलिंग भी हो जाती है थोड़ी सी। अब इसके बाद ये मल्टी कटर है, मल्टी कटर से बाल पूरे क्लीन करने हैं इनके, ऐसे ऐसा मल्टी कटर पकड़ने से पूरे बाल निकल जाते हैं। इस टेक्निक से दोनों भी तरफ से बाल अच्छे से निकल जाते हैं मल्टी कटर से। तो मैं कैसा भी पकड़ती हूँ ये मल्टी कटर बहुत ही अच्छा है, तो सभी बाल एकदम क्लीन हो जाते हैं। यही टेक्निक है हमारी हेयर कटिंग की, बहुत ही अच्छी फाइनल लुक आया है हेयर कटिंग का। और मैं मल्टी कटर से अच्छे से बाल इनके साफ करके दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़ प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।